गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। तो ये शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपकी जो ये क्लास है, ये आपकी पहली क्लास है, आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, जो कि आपकी नई पोस्ट अभी आपकी रिड्यूस हुई है और आपने देखा होगा आरआरबी के थ्रू आपका, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको मैं क्लियर बता दूं कि क्लास के रूल्स क्या होते हैं, क्या हमको फॉलो करना है, क्या हमको फॉलो नहीं करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो कुछ बातें हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। थोड़ा मैं देख लेता हूं कि प्रॉपर क्लास चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि पता लगा मैं बोल रहा हूं और आपको कुछ समझ में आए ना तो फायदा क्या। तो लेट मी चेक। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए अभी क्लास ऐड नहीं होती है या स्टार्ट नहीं होती है या आपको कनेक्टिविटी में इशू आता है, डोंट वरी, आप आराम से रिलैक्स होके ऐप को क्लोज करिए, फिर ओपन करिए, आपकी क्लास बहुत स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर्वर का थोड़ा कभी भी इशू हो जाता है तो मे भी हो सकता है कि आपको आवाज या जो भी है, ठीक है, तो आपको बहुत आराम से रिलैक्स होकर, क्योंकि मैं 5 मिनट वेट करूंगा, आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 4 से 5 मिनट में वेट करूंगा और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, आपको क्लास के दौरान कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं लाइव में। अगर इन केस आपने लाइव क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको फोन के थ्रू या क्लास में ही जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो ओरिएंटेशन क्लास हुई है आपको ऐप पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, आपको भी वो क्लास कहाँ मिल जाएगी? आपके YouTube जो आपका चैनल है आपका वहां मिल जाएगा। ये आपका प्यारा सा YouTube चैनल है, यहाँ पे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है मैंने इसका बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, और जब इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओरिएंटेशन क्लास। मैंने आपको सब बता रखा है कि पीडीएफ कैसे होंगी, क्या कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग। मजबूरी ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, कौन सी वीडियो कौन देख रहा है वी डोंट नो, तो इसलिए आपको ये थोड़ा बताना पड़ता है पहले ही इन्फॉर्मेशन में, ताकि आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ग्रेट, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? चलिए, और जो भी है, जैसा भी है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि क्लास आपकी चलेंगी डेली बेसिस पे, आपका 9 to 10। मैंने रात को क्लास क्यों रखा है? क्योंकि अगर मुझे क्लास को खींचना हुआ तो 9 से 10:30, 11, जैसा भी रहेगा, हम अपने हिसाब से इसको गियर बदलते रहेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी है वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इस क्लास को लेने का मतलब क्या था पहले देख लेते हैं। भाई सब लोग ओके हैं, सेट है मामला, सबको सेट है? कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा आराम से और टेबल चेयर बैठिएगा, तभी क्लास का मजा आएगा, नहीं तो क्लास कोई मजा नहीं आएगा। और 1 घंटे फुल कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो भी डाउट्स रहेंगे उसको हम लेंगे, ठीक है, जिससे सबका फायदा होगा, जो पढ़ने आया वो पढ़ेगा। बाद में क्या होगा कि जो मैं बोल दूं क्लास ओवर हो गई है तो आराम से आप जाइए और आपका जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फीस वगैरह क्या है, कैसे है, मैंने सब कुछ बता रखा है ओरिएंटेशन क्लास में, प्लीज आप उसको जो देख लीजिएगा। गेट, टेलीग्राम का देखिए एक और डाउट है जो बता दूं मैं आपको, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए टेलीग्राम जो ग्रुप बनेगा आपका, वो ग्रुप सिर्फ इसलिए है कि मान लीजिए क्लास कभी नहीं हो पाई या कुछ आपका इशू आ गया या क्लास थोड़ा डिले हो गई, तो मैं आपको सभी को एक साथ इन्फॉर्म कर सकूं, इसलिए वो होता है। बाकी मटेरियल आपका सब कुछ साथ में ही होगा, मैंने सब बता रखा है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, आप प्लीज जाके ओरिएंटेशन क्लास देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिसके भी डाउट्स इस सब्जेक्ट को छोड़ के हैं, प्लीज जाके आप ओरिएंटेशन क्लास जरूर देख लें, ठीक है, तो आपको हर एक डाउट क्लियर रहेगा। गॉट इट? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की और बात करते हैं कि आपका जो ये सिलेबस है ये किसमें आता है। आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर ये आपका आएगा। तो बात करते हैं आपका जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से आपका जो पेपर है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में प्लान किया गया है, और हमारा टारगेट ये है कि अगस्त तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाए। सिलेबस में मैंने सब बता रखा है आपको कि आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, क्या नहीं पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर मैथ एंड ये टॉपिक रहेगा, बाकी रीजनिंग और जीके आपको अपने एंड से करना होगा। बात करते हैं कि जो आपका ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपका फोल्डर बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट आपका ये एक फोल्डर बनेगा जो कि आप पढ़ रहे हैं अभी, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। फिर आपका एक फोल्डर बनेगा, किस नाम से बनेगा? आपका बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसमें ये आपके सभी टॉपिक कवर होंगे। फिर आपका एक बनेगा फिजिक्स फंडामेंटल, तो तीन नाम से फोल्डर बनेंगे ताकि आप सिलेबस को साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली सुधीर सर, ये वाला क्लास है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, तो आपके तीन फोल्डर बनेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में। फिजिक्स फंडामेंटल का अलग से रहेगा, उसमें पूरा कवर होगा ये टॉपिक्स। इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में आपका पूरा टॉपिक कवर होगा ये वाला, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट में आपका ये टॉपिक्स कवर होंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था
ओरिएंटेशन में कि यहीं पे ही थोड़ा सा मैटर गड़बड़ है। तो यहां पे आपका माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर साथ में होगा, फिर आपका डिजिटल अलग होगा। जब आपका क्लास चलेगा तो आपको बताया जाएगा उसके बारे में, आप निश्चित रहिए उसके लिए, ठीक है। ग्रेट, अच्छा सब लोग आ चुके हैं, चलिए शुरू की जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो 5 से 6 मिनट में आपको टाइम दूंगा ताकि आप सेटल हो जाइए अच्छे से आपका, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? और जो ये टॉपिक का नाम है मैंने यहां पे लिख दिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपका माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है। अब मुद्दा ये आता है कि ये टॉपिक मैंने क्यों लिया। जनरली क्या होता है, ये टॉपिक आप कब पढ़ते हैं? आप ये पढ़ते हैं जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं या बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ये पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट का पहले से रिक्वायरमेंट होता है, कुछ सब्जेक्ट का पहले से रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन मैंने इसको स्टार्ट इसलिए किया है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये जो बेसिक वाले पार्ट्स है तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका जो तरीका है पढ़ने का अगर ये पढ़ा देंगे तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, यही पढ़ा देंगे, आपको पढ़ाना सब है, कुछ नहीं छोड़ना है। बाकी मुझे अगर आपको देखना है अलग क्लासेस के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आरआरबी एएलपी में बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हैं, जेई में भी अपलोड करने वाला हूँ और यहाँ भी करूंगा, तो आप आराम से मेरी टीचिंग स्किल को देख सकते हैं। और ये ऐप की क्लासेस भी अपलोड करूंगा डायरेक्ट में, और जो ऐप की क्लास होती है इसका जो क्वालिटी थोड़ा होता है हल्का सा डाउन रहता है, कारण ये है क्योंकि ऐप पे क्लास ये होती है और डेटा लोग स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तो डेटा कहीं ज्यादा खर्च ना हो इसलिए इसकी सेटिंग अलग होती है। तो यूट्यूब पे मैं भी हो सकता है थोड़ा सा आपको डिग्रेड दिखे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने क्लासेस देखी है, प्रॉपर रहता है आपका, तो टेंशन बिल्कुल मत लो आप उसके लिए। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, डन, परफेक्ट। तो आइए बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या बुक लेना है, क्या बुक नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप आपको क्लास देखनी है, कहीं कोई दिक्कत आएगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाइए। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, आपका माइक्रो प्रोसेसर का परिचय, यानी कि जो आपके माइक्रो प्रोसेसर होते हैं कौन कौन से होते हैं, 8085 होता है, 8086 होता है, और आपका 8051 जो होता है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपका, तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, 8085 पे। 8086 आपका बस एक इंट्रो दिया जाएगा जिससे कि मान लो क्वेश्चन अगर बना तो आप कर पाए अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात करें अगर मैं, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मान चलिए कि अगर आपके 10 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन आपके इसके मिलने वाले हैं गारंटी के साथ, ठीक है। और ये भी क्लास मैं आपको YouTube पर अपलोड कराऊंगा ताकि आप लोग को एक हेल्प मिल जाए मेरी तरफ से YouTube फैमिली को, ठीक है। फिर आपका पिन डायग्राम होगा, देन आपका फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे, एड्रेसिंग बोर्ड्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट में भी हम लोग लिमिटेड फॉर्म में करेंगे। एक बात मैं और बता दूं, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की क्लास है, आरआरबी जेई क्लास नहीं है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं आपको बहुत डिटेल लेके जाऊंगा। हर एक बैच में जो मैंने बैच प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट रहेगा, इसलिए मैंने तीनों को अलग कर दिया है, एएलपी अलग कर दिया है, जेई अलग कर दिया है, टेक्नीशियन अलग कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहां से मैं कहूंगा कि आप वहां पढ़ लो, यहां पढ़ लो, मैं चाहता नहीं कि आप कहीं परेशान हो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और ये अच्छा मौका है, स्टेज एक ही आपका है और उसके बाद आपका सीधे मेडिकल और डीवी आपका डायरेक्ट है आपका, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो ये पूरा सिनेरियो रहेगा आपका सिलेबस का। पहले हम आज बात करेंगे भाई माइक्रोप्रोसेसर होते क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी आपकी लाइफ में, इसका यूज क्यों हुआ, जो भी है आपका। फिर कल हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगर बात करूं मैं आपको। तो अगर आपने ये पढ़ लिया कि भाई माइक्रो प्रोसेसर बना कैसे है, कैसे वो काम करता है, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मेरी है, गॉट इट। देन फिर आपके ये क्या है, कुछ आपके फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको सब समझ में आएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को ये पहली बार वो देख रहे होंगे, कुछ लोग देख चुके होंगे पहले से ही, तो इसलिए जो पहले देख चुके हैं वो पीडीएफ देख लेंगे और वहां से आप लोग फटाफट रीड कर लीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं तो आपको हर एक लाइन को प्रॉपर सुनना है, देखना है, समझना है, और आपकी पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं ताकि आप भी सेटल हो जाओ, मैं भी सेटल हो जाऊं, और हम आपस में जो भी हमारा बात करने का तरीका है, जो मैं बोलता हूं आपको वो समझ में अच्छे से आए, और जो आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं मैं आपको यहां पे ही समझ लूंगा कि कहां आपको दिक्कत आने वाली है, गॉट इट। चलिए, तो सिलेबस में कोई दिक्कत किसी को, तो ये मेरा सिलेबस रहेगा। प्रोग्रामिंग, कई लोग सोचेंगे मन में कि सर प्रोग्रामिंग भी तो आती है, जहां तक जो ये सिलेबस है, पहले हमारा जो सिलेबस है मैं आपको अकॉर्डिंगली पहले खत्म करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है, उसके बाद ज्ञान लेना होगा तो मैं आपको आगे और भी चीजें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर की दौर, और शुरुआत करते हैं अपने इस चीज की। चलिए तो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि भाई माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है एक्चुअली।
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जो मुझे जानते हैं, जो मुझे समझते हैं, उनको ये पता है, मैं पहले आपको कुछ वैकेबुलरी होती है, शब्दावली होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आप थ्रू आउट द सब्जेक्ट, थ्रू आउट द उस में सुनने वाले हैं लगातार। अगर बात करूं मैं डिजिटल की, तो वहां पे आप क्या सुनते हैं, बाइनरी नंबर सुनते हैं, नंबर सिस्टम सुनते हैं आप, हेक्सा डेसिमल बाइनरी, फिर वहां पे हाफ एडर सुनते हैं आप, फुल एडर सुनते हैं आप, एंड और नॉट सुनते हैं आप, ये सभी सुनते हैं आप। अगर बात करूं मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो वहां पे चार्ज करंट वोल्टेज पावर एनर्जी, मतलब आवेश धारा विभव आपका ऊर्जा एनर्जी, ये सब सुनते हैं आप, जो भी आपका है, ठीक है। ऐसे ही आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप चीजें सुनेंगे, तो वैसे ही आपका माइक्रोप्रोसेसर भी अपना खुद का एक वैकेबुलरी, अपना एक शब्दावली लेके चलता है। कुछ शब्दावली मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि आप यहां क्या सुनेंगे, आप सुनेंगे बिट्स सुनेंगे, 8 बिट 16 बिट, आपका ऑपकोड क्या होता है, आपका फेच क्या होता है, आपका निमोनिक्स क्या होते हैं, आपका मेमोरी क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, एड बी कॉमा सी, ये सभी बातें आप सुनने वाले हैं, और इससे ही हमको रूबरू होना है, क्योंकि पहले अगर मैंने ये सीख लिया तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये करता क्या है, ये हमारी लाइफ में आया कैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते क्यों हैं। तो पहला तो लक्ष्य ये है, हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, सबसे पहला मोटो तो यही होता है। दूसरा मोटो क्या होता है, ताकि हम समझ पाए कि ये है क्या, और इंटरेस्ट तभी आपका आएगा। चलिए बताइए भाई, प्रोसेसर क्या होता है, आपने नाम सुना होगा ना, i7 i3 i5, बिल्कुल सही आपने सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा डुअल टू कोर, कोर टू डुअल, पेंटियम ना, P1, P2, P3, तो ये जो आप सुनते हैं i7, i5, ये सभी प्रोसेसर ही हैं, उनका ही ये कहते ना दादा परदादा जैसे बोलते हैं, तो ये वही है 8085। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, 40 साल पहले की चीज है ये, मतलब 1970s में आपका ये प्रोसेसर आया था, और ये याद रखिएगा, ये प्रोसेसर आपका किसने बनाया है, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यूटन साहब के टाइम पर ये प्रोसेसर बना था, 18 सेंचुरी में नहीं बना था, ये बना है 1900 सेंचुरी में बना है, 19 सेंचुरी में, तो बहुत ही स्मार्ट वर्क तरीके से बनाया गया है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, आप ये जान लीजिए i7 हो, i5 हो, i3 हो, मे भी हो सकता है बहुत लोग को नहीं पता हो, लेकिन मुझे जहां तक ये लगता है कि जब से ये टेक्निकल एरा आ चुका है, आपको गारंटेड पता होगा i3, i5, i7। अगर नहीं पता है तो फिर मतलब कि आप कुछ ज्यादा ही चीजों से दूर रहते हैं टेक्नोलॉजी से, तो थोड़ा समझिए, सुनाइए, समझिए जरूरी है आपका, ठीक है। तो i3, i7, i5 जो होता है, इनका जो तरीका होता है काम करने का, ये वही होता है जो 8085 में था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें कुछ और आ गया है, बस इनकी स्पीड बढ़ गई है, ये मोर पावरफुल हो गए हैं, बस इतना है। जैसे सिलेक्शन लेने का तरीका क्या होता है, सिलेक्शन लेने का तरीका सिंपल सा यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या ऑनलाइन आने के बाद ये ऐसा हुआ है कि आपको नहीं पढ़ना होता, या AI पढ़ता है और आपको क्वालिफाई कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा और खुद ही एग्जाम देना होगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, इट डजंट मैटर, आपका जो मेन कोर है वो सेम रहता है हमेशा। तो वैसे ही यहां पे भी कुछ कहानी ऐसी ही है, किसी भी सिस्टम में, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपका PC हो, या जो भी आपका है, जैसे आप मुझे अभी आप देख पा रहे हैं, आपके मोबाइल में देख पा रहे हैं आप, तो आपने क्यूटेक ऐप आपने ओपन किया होगा, तो ये जो क्यूटेक ऐप आपने ओपन किया है क्लिक करके, तो ये ओपन कैसे होता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी जो क्यूटेक ऐप आप ओपन करते हैं, इसमें बहुत ही हाई एंड आपका प्रोसेसर होता है, बहुत ही एडवांस प्रोसेसर आपका है, लेकिन मैंने क्या बोला, तरीका वही है, कैसे ये ओपन होता है मैं आपको सब सिखाऊंगा, कल जो क्लास आपकी होगी आर्किटेक्चर की, मैं आपको पूरा डिटेल में फील कराऊंगा कि जब आप क्लिक करते हो क्यूटेक ऐप को, या फेसबुक को, या इंस्टा को, तो आपका वो ओपन कैसे होता है, उसके पीछे का पूरा जो लॉजिक है ये आपको यहां बताया जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों? अब बात करते हैं, यहां जो दिखा हुआ है ये है क्या, ये एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या है आपका, ये आपका एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर हिंदी इंग्लिश वाला सिस्टम यहाँ पे है कि नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिया जाए, लेकिन आप जानते हैं ये देखिए मैंने पूरा दिया हुआ है आपको, ऐसा नहीं कि इंग्लिश भी है हिंदी भी है, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको, ताकि आप हर तरीके से एकदम सेटिस्फाइड रहें, ऐसा भी ना हो कि आप एकदम अनसेटिस्फाइड रहें, ठीक है। चलिए आते हैं यहां पर और बात करते हैं यहां पर, ये कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आपका, जैसे आपका मोबाइल है, मान लो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, सब कुछ सेम रहता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपका मोबाइल भी कंप्यूटर ही है, आपका मोबाइल भी कंप्यूटर ही है, और आप जब कंप्यूटर ले आते हैं तो वहां क्या बोलते हैं, आपका i3 प्रोसेसर होना चाहिए, i5 होना चाहिए, 12 जनरेशन 1.2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर होना चाहिए, 1.2 गीगाहर्ट्ज़, 1.3 गीगाहर्ट्ज़, ये सब क्या होता है, ये सभी हम यहां समझने वाले हैं, और आप
फिर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई रैम का काम क्या है, रोम का काम क्या है, यानी कुल मिला के आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, आपका मोबाइल कैसे काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब यहां पे सीखने वाले हैं आप। ठीक है, जैसे बात करूं मैं आपको कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, ये तीन चीज होती ही होती हैं। इन तीन के अलावा चौथी कोई चीज नहीं होती है। मैं रिपीट करता हूं फिर से, क्या सिर्फ ये तीन चीज होती हैं जो आपके सामने दिख रही हैं, क्या? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट आउटपुट आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं और यहां भी आप पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बेसिक पढ़ेंगे, वहां पे आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे, वहां आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा पूरा प्रॉपर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं आपके? आपका जैसे मोबाइल में बात करूं तो कीबोर्ड आपका होता है, वो इनपुट है ना। आपका जो स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस है आपका। एलसीडी एलईडी होता है, आपका एमोलेड होता है, आप जो यूज करते हैं। आपके मैं अगर पीसी की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, तो कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट होता है। माउस क्या होता है? आपका इनपुट होता है। आपका जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, तो आपका हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी आपकी बहुत सारी होती है, नो डाउट। आप जनरली जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? रैम और रोम। उसके बाद कैसे मेमोरी होती है, फिर L1, L2, L3, उसमें कुल मिला के जितनी बात आप करते हैं, जितनी भी आप बात करते हैं, वो आप मेमोरी की ही बात करते हैं। हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, व्हाटएवर जो भी आपका है। फ्लॉपी डिस्क वैसे आपका मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस है, जो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, लेकिन जो मैं बात करूं आपके यहां, तो जो भी है मेमोरी ही होता है आपका। रैम, रोम, आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो आप बोल देते हैं, फिर आपका कैसे मेमोरी, L1, L2, L3 आपका जो होता है, जो बातें करते हैं आप, पूरा यही। तो मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, और आपका प्रोसेसर होता है। अगर बात करूं मैं आपका, तो हम यही सीखने वाले हैं पूरे काम में कि इसका काम क्या होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी बॉडी में आपका दिमाग है, ये खुद कुछ नहीं करता है लेकिन दूसरों से काम करवाता है। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे माइंड ने कहा भैया हिलाओ हाथ, तो मैंने हाथ हिलाया। मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब कि माइंड बोल रहा है बोलो, तो मैं बोल रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेमोरी अपने आप से खुद कुछ काम नहीं करेगा। आपके मेमोरी में क्या होता है? जितनी भी चीजें हैं सब स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो क्यूटेक ऐप है वो आपके मेमोरी में स्टोर है, और जो क्यूटेक ऐप में वीडियोज हैं वो भी आपका मेमोरी में स्टोर है। यहां पर जो लिखा हुआ है स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा, आपको दिख रहा होगा स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा, ये क्या है ये समझते हैं। डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ सूचना होती है, गॉट इट। और जो प्रोग्राम होते हैं आप उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ निर्देश होते हैं, उनका कुछ सेट होता है। बात समझ रही? जैसे क्यूटेक ऐप जो बना हुआ है, एक जिस कंपनी ने बनाया है, उन्होंने पहले कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं मेरे क्यूटेक ऐप के बारे में कि भाई आपका क्लास ऐसे रहेगा, टाइम टेबल ऐसे रहेगा, ये सेटिंग पूरा जो होता है ये उन्होंने कोडिंग के थ्रू, कोडिंग आप जानते हैं सी लैंग्वेज, .NET, जावा, PHP वगैरह जो भी आप जानते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उनसे ये होता है। ठीक है, बहुत हाई फाई वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, अगर लगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हर एक वर्ड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं। ठीक है, गॉट इट। चलिए समझते हैं यहां पर। तो क्या देखा आपने? स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा, यानी मेमोरी जो काम करता है, क्या करता है? सिर्फ स्टोरिंग का काम करता है, सिर्फ ये भंडारण करता है। एग्जाम्पल और रहते हैं, जैसे आपका इंस्टा हो गया, इंस्टा जो ऐप है आपका, उसका जो प्रोग्रामिंग किया गया होगा, ऑब्वियस बात है कोडिंग की गई होगी, तो वो कोडिंग कहां होती है? मेमोरी के अंदर ही होती है। और जो आप फोटो डालते हैं वो भी कहां होता है? मेमोरी के अंदर ही होता है। तो जो फोटो आपने फीड की है, जो आपने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो क्या है? वो डेटा है, वो इंफॉर्मेशन ही तो है। बात समझ आई नहीं? तो आपका प्रोग्राम भी मेमोरी में, आपका डेटा भी मेमोरी में, क्लियर है? आपका व्हाट्सएप भी मेमोरी में, आपका व्हाट्सएप के अंदर जो मैसेज है वो भी मेमोरी में। उन सब का अपना अपना सेटअप आ जाता है। अब ये जो सेटअप कैसे होता है, इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, पूरा एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, वो सीएस का पार्ट है, अभी वहां नहीं जाना अपने को, यहां पे रहना, बस हो गया। तो क्या देखा आपने कि मेमोरी काम क्या होता है? सिर्फ स्टोर करना। ये डेटा को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा कि आपने कोई फोटो डाल दी, अभी अपने मन से निकाल के दिखाएगा, देखो ये फोटो आप इस टाइम पे ऐसे से गए थे ना, ऐसा नहीं है। तो ये मेमोरी क्या करता है? सिर्फ स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट क्या करेगा? ये डेटा लेगा और देगा, मतलब कि आपको कुछ टाइप करना है मैसेज, हेलो सर आई वांट योर क्लासेस, आपने टाइप किया, तो आपने कहां से टाइप किया? कीबोर्ड से टाइप किया, अपने जो कीबोर्ड मोबाइल का है। और आपको आउटपुट कहां मिला? आपके स्क्रीन में।
मान लीजिए आपका स्क्रीन ना होता तो किसी काम का था क्या? नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपने टाइप किया है हाय सर हाउ आर यू या आप लोग कैसे हैं, वो प्रोसेस किसने किया? वो किया माइक्रो प्रोसेसर ने। दैट इज द वर्क ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये काम है आपके प्रोसेसर का, क्या करना कि मेमोरी में जो भी डेटा है जब मन चाहे आप उसको निकाल लो। आपकी मेमोरी में आपने बढ़िया फर्स्ट क्लास, जैसे कि अपने टाइम पे, हमारे टाइम पे क्या होता था कि पहले मूवीज डलती थी 2 रुपए कह रहा हूं, 10 रुपए में, 5 रुपए में पेन ड्राइव में। आज भी डलती है, मैंने देखा है बहुत जगह पे आज भी डलती है। तो क्या होता है कि हमने पेन ड्राइव में डेटा डलवा लिया, अब उसको हमने बढ़िया लैपटॉप में पिंग किया और फिर तुरंत ही हमने उसको स्टार्ट किया, तो वीएलसी प्लेयर हो गया आपका। वीएलसी जो प्लेयर आपका है उसका जो कोडिंग है वो कहां रहेगा? मेमोरी के अंदर। और जब उसमें मूवी चलाएंगे तो भी कहां रहेगा? मेमोरी के अंदर। तो ये जो प्रोसेसर है ये कमांड देता है कि भैया दोस्त ने डिमांड की है मेमोरी मूवी की तो मूवी चलाओ, दोस्त ने डिमांड की है शॉर्ट्स की तो शॉर्ट्स चलाओ, दोस्त ने डिमांड की है यूट्यूब में जो शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टा पे जो रील्स आते हैं वो चलाओ, दोस्त ने डिमांड नहीं की है क्यूटेक ऐप ओपन करो तो आप क्यूटेक ओपन मत करो। बात सही है, ठीक है। तो जो भी काम आप करते हैं वो प्रोसेसर करता है। तो ये काम कैसे करता है हमको यही सीखना है, और इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, तो प्रोसेसर क्या होता है, अब इसके अंदर जो चीजें हैं इसको हम भारी बारी से धीरे धीरे समझेंगे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कि फेच क्या होता है, डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। फेची मतलब होता है रीड करना, इसका मतलब होता है रीड करना, क्या रीड करेगा ये, कहां से रीड करेगा ये, सब समझेंगे हम लोग, हर तरीके समझेंगे। भाई जाहिर सी बात है मैंने बोल तो दिया, यूटेक आपने दबाया फट से बाहर निकल आया, तो ये कैसे बाहर निकला इसको हमको समझना है इस पूरे पूरे सिनेरियो में। कोई दिक्कत नहीं आता दोस्त? तो अब आती है बात, ये जो लास्ट बचा हुआ है बस सिस्टम, ये क्या है भाई? तो सिस्टम बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मतलब क्या होता है आपका? बस मतलब क्या है? बस अगर नॉर्मली मैं बात करूं एक लेमेन तरीके से या एक नॉर्मल तरीके से, बस मतलब क्या होता है? यहां से वहां जाना। जब हम लोग पढ़ते तो बड़ी दिक्कत होती थी, बस मतलब यहां से वहां जाना। अब यहां पे 3 टाइप के बस आप पढ़ेंगे, डेटा बस, एड्रेस बस और अब कंट्रोल बस। डेटा मतलब जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन, अब वो डिपेंड करेगा जो यूजर है जिसने, मतलब आपने मोबाइल लिया, अब आपके पे आपका मोबाइल है, ये तो है नहीं कि मोबाइल अपने आप ही सब ओपन करेगा। आपने मोबाइल हाथों में लिया फिर आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, तो आप जो भी आइकन पे क्लिक करोगे तो ये इनपुट मिलेगा, तो प्रोसेसर को मालूम चलेगा। जैसे आपने क्यूटेक ऐप पे ऐसे ओपन की क्लिक किया तो प्रोसेसर को पता चला कि भैया अगले ने डिमांड की है क्यूटेक ऐप को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यानी डेटा गया ना उसके पास फट से कि हाँ क्यूटेक ऐप ओपन करना है, तो वो फट से ओपन कर दिखाएगा आपको। तो डेटा की रिक्वायरमेंट आपको होगी कि डेटा जो आपका है इंफॉर्मेशन कोई ऐसा तो हो जो यहां से वहां लेके जाए, तो डेटा बस की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो ऐसे ही आपने नहीं बना दिया। फिर आती है बात एड्रेस बस की। एड्रेस बस की क्या रिक्वायरमेंट है? एड्रेस तो पता होता है किसी का, वो तो कोई इंफॉर्मेशन रखेगा नहीं, बोलो भाई हाँ या ना? जो आपका एड्रेस होता है क्या उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है? कोई नहीं। फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी मेरे दोस्त? उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, बात समझ में नहीं आई? क्योंकि जब तक आपको एड्रेस पता नहीं होगा, अगर आप कोई डेटा बिना एड्रेस के लेंगे तो वो गार्बेज होता है। गार्बेज समझते हैं, मतलब जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लो आप, एड्रेस के बिना आप एक पैर नहीं रख सकते हैं। आप देख लो, रियल टाइम एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं टेक्निकल बातें, बिल्कुल नहीं। आपको कहीं जाना है कहीं भी, अब ये तो है नहीं कि रैंडम कहीं भी आप जाओगे, तो वो आपका अलग केस होता है। कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि बस निकल जाओ कहीं भी, तो वो अलग केस है। मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूं। आपको बाथरूम जाना है तो बाथरूम का एड्रेस है, आपको किचन जाना है किचन का एड्रेस है, आपको खाना खाना है तो आपके मुंह का भी एड्रेस है। तो हर चीज में एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, पता आपको चाहिए ही चाहिए। आप सोच के देखना खुद ही, कोई ऐसा चीज बताना जिसमें एड्रेस ना लगता हो। अब मजाक मत करना यार, मजाक तो वैसे बहुत सारी हो जाएंगी फिर तो मजाक करने के लिए कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, सपने का कौन एड्रेस होता है, ये किसका एड्रेस होता है, वो नहीं। अगर आपको सीखना है तो लॉजिकली आप सोचना और आप देखना कि एड्रेस आपको चाहिए ही चाहिए। जो भी आप काम जनरली कर रहे हैं, पूजा करना है तो आपको मंदिर का एड्रेस पता होना चाहिए, मंदिर कहाँ पे है, अब मंदिर घर में है या बाहर है, आपको पहले एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेटा से पहले आपको एड्रेस पता होना चाहिए? क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि डेटा आने जाने से पहले आपको एड्रेस पहले पता होना चाहिए?
नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। एकदम सही बात, यानी कि पहले आपका एड्रेस होगा, फिर आप डेटा लेंगे या देंगे, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या डिमांड की है, आपने लेने की डिमांड की है, देने की डिमांड की है, ठीक है। और ये कैसे होता है, आपको जब आप पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, जो कि कल का आपका क्लास होगा, वो पूरा आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बस नाम से, जो ये बस वर्ड लिखा हुआ है इससे कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अब लास्ट में आता है कंट्रोल बस। ये कंट्रोल बस क्या है भाई? तो कंट्रोल बस, जाहिर सी बात है कि कंट्रोलिंग भी तो जरूरी है, जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो कंट्रोलिंग जरूरी है ना। आपके गैस एग्जांपल लेते हैं, आपने चाय के लिए क्या रखा, इनपुट। इनपुट क्या आपका है, दूध, चीनी पत्ती, चाय, अदरक, ये सब है। आपका आउटपुट क्या मिलेगा, गर्मा गर्म चाय मिलेगी। बीच में प्रोसेस होता है आपका, बीच में आपका प्रोसेस होता है। तो जो ये गैस है ना आपका, ये माइक्रोप्रोसेसर ही है एक टाइप से, मैं अगर बोलूं तो, वैसे ये है नहीं लेकिन आप बोला जाए तो, ठीक है। यानी कुछ अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको, ये रन कराएगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है दोस्तों? जैसे आपका एसी का रिमोट है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि फैन हो गया या नॉर्मली ऐसे हो कुछ हो गया, तो क्या ये आपका है क्या? जैसे आपका एमसीबी होता है, एमसीबी मैंने ऊपर नीचे किया, तो क्या इसमें कोई माइक्रो प्रोसेसर लगता है क्या? नहीं, आपके रिमोट में लगता है। रिमोट में बटने बहुत सारी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका ऐसा लगा होता है। आपका मोबाइल ले लो बेस्ट एग्जांपल, आपके मोबाइल में लगा होता है प्रोसेसर, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी है यहां पर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, मैं मानता हूं। ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपको मालूम चलेगा कब, जब आप कल पढ़ लेंगे आर्किटेक्चर, तो आपको ये बहुत डिटेल में समझ आएगा। इवन आपका जो सिस्टम बस अभी आपने पढ़ा है, सिस्टम बस के अंदर एड्रेस, डेटा, कंट्रोल, आपको बस ये फील हुआ होगा, लेकिन इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है, ये आपको कल बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसकी थोड़ा बहुत। और उससे पहले कुछ बातें और कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, तो इसमें कोई दिक्कत है, जो मैंने बातें बोली उसको छोड़कर, ये जो लाइन है आपको समझ में आएगी कल वाली क्लास में। स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा, समझ में आया? डेटा क्या होता है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आपका इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये आपके डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, लेजर जेट हो गया, ये सब जितने आपके होते हैं, इनको आप पढ़ते हैं डिटेल में आपका पूरा, गॉट इट। तो बस एक ओवरव्यू है। और प्रोसेसर काम क्या होता है, इनके बीच में सामंजस्य बैठाना, इनके बीच में प्रॉपर इंटरफेसिंग कराना, इनके बीच में जस्ट लाइक अ मीडिएटर, ये आपका मीडिएटर है, गॉट इट। आइए बात करते हैं यहां पर, और जो यहां पर कुछ बातें लिखी हैं मैं आपको बताता हूं। अब ये पढ़ के नहीं, हर एक लाइन को हम डिकोड करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा ही कर दिया हो गया, ठीक है, समझिए। पहला लाइन क्या लिख रहे हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड चिप दैट हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है क्या, कि आपका ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार दिखिएगा, क्या उन्होंने बोला, आपका ये क्या है, इंटीग्रेटेड चिप है। इसको आप बोल देते हैं आईसी। आईसी नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा। आईसी जो वर्ड है आपने बहुत सुना होगा ना, कि आईसी फूक गई, आईसी फूक गई, ट्रांजिस्टर फूक गया, ट्रांजिस्टर फूक गया, वगैरह वगैरह। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहां पे चिप लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी, जो बोलते हैं नॉर्मली आपका। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, तैयार जोड़ना। एक होता है डिस्क्रीट वर्ड, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, अलग अलग। और एक होता है इंटीग्रेटेड, सबको जोड़ देना। जो ये आईसी का वर्ड आया, ये आपको मिला 1920 में 1929 में, एग्जैक्टली मुझे वो सन याद नहीं है, जिसमें आपका ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। आप ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में, कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, एक्चुअली कैसे वो काम करता है। वो रेडियो वाला ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर जो आपका एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो जो ये आईसी है, इसका मतलब क्या होता है, कि बहुत सारे जो भी आपके सर्किट होते हैं उनको एक साथ ये एक ही चिप में रखता है, एक ही चिप में रखता है। इसका मतलब ये है आईसी, इंटीग्रेटेड, सबको जोड़ के रखना सर्किट, ठीक है। हैज कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है आपका, गणना करना। अब देखो कंप्यूटिंग का हिंदी भी कंप्यूटिंग लिख दिया गया है, कंप्यूटिंग मतलब गणना करना होता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, यानी ये डिसीजन भी लेता है, कैसे लेता है उसका भी एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर जी 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो बता पाएगा ना वो कि भाई 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो ये डिसीजन मेकिंग ही तो है, तो ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है, क्षमता होती है इसके पास। दूसरी बात करते हैं, क्या बोला भाई, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड चिप दैट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम एंड प्रोवाइड रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये करता है, ये इंस्ट्रक्शन लेता है मेमोरी से, मेमोरी से भी लेता है,
कीबोर्ड से भी लेता है। ये जो मशीन है आपकी माइक्रो प्रोसेसर, ये कहां से लेगा? ये मेमोरी से भी लेगा इंस्ट्रक्शन, यानी रीड करेगा उनके निर्देश कि भैया ये ऐसे ऐसे निर्देश है इनको फॉलो करो, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो करना है आपको। तो यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बात कर रहे हैं 8085 की, आज से 40 साल पहले की बात हो रही है, 1970s में आपका ये आया था, 35-30 ईयर मान लो आपका ऑलमोस्ट हो गया है, तो तब की बात हो रही है। तो अभी से इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि अभी तो आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करोड़ों इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप, करोड़ों काम कर सकते हैं आप, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। आपसे एग्जाम पूछा जाता है 8085 में, बात समझ आई नहीं दोस्त? बाकी सब बातें होंगी, जैसे आगे बढ़ेंगे बातें होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ये आइस, जो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है, क्या करता है? ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई मूवी की फरमाइश कर दी, कोई गाने की फरमाइश कर दी है, आजकल तो ऑनलाइन सब हो गया है, आजकल तो ऑनलाइन सब हो गया है, तो आप तो पहले वो जमाना गया कि चिप में आप गाने भरवाते थे और मस्त गाने सुनते थे आप, तो ऑनलाइन हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। डेटा पहले आप करते थे क्या? मोबाइल से निकालते थे, अब डेटा आप निकालते सर्वर से हैं। सर्वर क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी ही, क्या होता है कि आपका एक जगह डेटा पूरा सेट बना होता है, फिर वो क्या करेगा वहां से उसको निकाल के देगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली वो मेमोरी से रीड करेगा ही करेगा। अब वो मेमोरी आपके फोन की है कि या वो कहीं और दूर रखा हुआ है तो मेमोरी ना, मेमोरी मीन्स क्या होता है? कोई चीज रखना, किसी को स्टोर करना। तो आप भले आप मोबाइल में स्टोर करें चाहे कहीं स्टोर करें, तो इसका काम क्या है कि भाई वो फेच करता है, मतलब रीड करता है, और वो फिर उसको देखता है कि ये है क्या, और फिर उसको बाद में आपको रिजल्ट के रूप में आपको दे देता है कि अच्छा ये था, लो भाई। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? आगे बात करते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? अ माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क इट्स ओन। माइक्रो प्रोसेसर खुद से कोई काम नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों ये हैं नॉर्मल, एक तरीका है ताकि आपको पता चले भाई क्या कैसे है। आप खुद सोचो क्या माइक्रो प्रोसेसर खुद से काम कर सकता है क्या? मतलब आप सो रहे हैं, आपका मोबाइल उठ के झाड़ू पोछा बर्तन मार रहा है, आपका गला ही दबा रहा है, ये संभव है क्या? नहीं। अगर हो जाएगा तो भाई तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। आपको कमांड देनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि अलेक्सा अपने आप ही बोलना शुरू कर देती है। अब कभी कभी बोल देती है अपने आप, डर लग जाता है, बात की बात है। वो तभी होगा जब कहीं से कुछ ना कुछ तो मिला होगा, या फिर कुछ फॉल्ट सिस्टम में हो गया होगा, बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिना कमांड के काम नहीं होगा। तो और ये हम चाहते भी कि कभी ऐसा हो भी ना, गलती से, सपने भी ना हो, नहीं तो कहीं हो गया तो मामला गड़बड़ जाएगा। गॉट इट? बात समझ आई नहीं? ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखिएगा, खासकर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? अब आती है बात माइक्रो कंप्यूटर की, ये क्या होता है भाई? तो आपने बोला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। अगर मैं बात करूं, चाहे किसी की बात करूं, सुपर कंप्यूटर की बात करूं, नॉर्मल कंप्यूटर की बात करूं, आपके मोबाइल की बात करूं, आईफोन की बात करूं, या रेडमी रियलमी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी बात करूं, तो ये तीन चीज ही होती है बस, प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट, बस ये तीन चीज होती है। अब उसमें आप कवर लगा दोगे तो कवर हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, वो बात की बात, लेकिन मेन तीन यही होते हैं, आपका प्रोसेसर जो प्रोसेस कराएगा डेटा को, आपका मेमोरी हो गया, आपका इनपुट आउटपुट। अब आप ये बोल देंगे सर कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बीच में एक ब्रिज बन जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है आपका, जब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम में ना, कंप्यूटर में है आपका विंडोज लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम डिटेल पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं हटा दूं तो आपका ये चीजें हैं अवेलेबल। गॉट इट? तो क्या देखा आपने, इफ ऑल टास्क द सीपीयू आर परफॉर्म्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर देन सच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नोन एज कंप्यूटर नोन एज माइक्रो कंप्यूटर आपका, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को आप बोल देते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? तो सारे काम जो करेगा वो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, या उसको बोल देंगे माइक्रो कंप्यूटर। आपका मोबाइल भी माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आता है, ठीक है? आपका मोबाइल भी किसमें आता है? माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये लिखा है म्यूपी, म्यूपी को जैसे कि आप लिखते हैं ना माइक्रो, तो माइक्रो जो लिखा आपने ये माइक्रो, और फिर प्रोसेसर आपका है, तो जो माइक्रो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये जो माइक्रो आपका है ये म्यू से इसको आप दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? म्यू से, म्यू मतलब जानते हैं ना माइक्रो, नैनो, पीको, तो इसलिए आपने यहां पे सुन दिया है माइक्रो ऐसे, तो ये शॉर्ट में म्यूपी होता है। तो मान लो कभी मुंह से मेरे गलती से म्यूपी निकल गया तो आप इसको ध्यान रखना कि ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूं। क्या यहां तक कोई दिक्कत दोस्त? बताओ भाई, एक मिनट रुकिए, तो कमेंट्स में देखता रहूं, ऐसा ना हो कमेंट में आपको कुछ डाउट हो, मैं
पढ़ाता ही जा रहा हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है। मान लो अगर आप कमेंट्स से मान लो डाउट नहीं क्लियर हुए तो मेरे पास आपका नंबर तो है ही है, आप आराम से डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर, ये हो गया मेमोरी, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब ये क्या है देखो ध्यान से, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये जो आपने देखा था और जो ये फिगर आपका है, दोनों सेम ही है। देखो समझो आप, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कर देता हूँ, ये आपका मेमोरी है। मेमोरी मेमोरी को मैं शॉर्ट में कभी आगे जब होगा तो मैं ऐसे भी लिखूंगा, ऐसे ये मेमोरी होता है शॉर्ट में आपका, ठीक है। इनपुट आउटपुट लिखता हूं मैं आई बाई ओ लिख दूंगा ऐसे आपका। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो तीर देख रहे हैं आपका, ये बस है आपका। बस कौन सा? जो डेटा को इधर उधर ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, कुछ ये ऐसा बना हुआ है, ये दोनों साइड आपका तीर है, ये आपका बस एक ही साइड है, ये आपका बस एक ही साइड है, ऐसे कैसे? तो जो ये लिखा हुआ है यहां पे, ये सीन है कि जो मेमोरी होता है वो डेटा देगा भी और डेटा लेगा भी, मतलब वो देगा भी और लेगा भी, इसलिए यहां पे दोनों तरफ एरो बना हुआ है। आपने फोटो खींची और आपने उसको डाल दिया फोन के अंदर। अच्छा मजे की बात ये भी है, जब फोटो आप खींचते हैं तो जो लास्ट वाली फोटो होती है वही आपको दिखती है, तो स्टैक एक वर्ड होता है। अगर आपने देखा हो यहां पर ध्यान से, अभी याद आया तो आपको दिखाता हूं मैं, जो ये वर्ड दिखा आपने ना स्टैक, ये देखो, तो इसका भी बड़ा काम है, ये सब सीखेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कि लास्ट वाली ही फोटो आती है, क्यों आती है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट समझ रहे हैं आप, जो लास्ट में गया वो पहले आता है। आइए यहां पे आते हैं। तो मेमोरी जो होता है कि अगर आपने फोटो क्लिक की, जैसे ही आपने फोटो क्लिक की वो कहां जाएगा? आपके मेमोरी के अंदर। तो फोटो क्लिक कर रही है आपने, प्रोसेसर ने काम करवाया कैमरे से, भैया कैमरा फोटो खींचो, कैमरामैन फोकस करें, तो उन्होंने फोकस किया और आपका जो फोटो क्लिक किया और उसके बाद कहां गया? वो मेमोरी के अंदर गया। फिर आपको कुछ दिन बाद याद आया कि यार चलो वो फोटो देख लेते हैं, वो यादें वो पल जो थी वो देख लेते हैं। फिर आपने मेमोरी को वहां से बोला भैया फोटो बाहर निकालो, तो वो बाहर निकाल दे देगा। तो यानी जो एरो बना हुआ है, ये एरो बनना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका दोनों तरफ ये बना हुआ है। अब ये बोलेंगे सर कि मान लीजिए मेमोरी में नहीं, मैं तो नेट पे चला रहा हूं चीजें, तो नेट पे भी तो कहीं जुड़ा होगा ना भाई, वो नेट पे भी तो कहीं होगा वो कि नहीं, तो वही तो बात हो गई। अब आते हैं यहां पर दूसरा केस, इनपुट। आप ये बताओ क्या कभी प्रोसेसर जो आपका इनपुट है, इनपुट को मैं लेता हूं यहां पे कीबोर्ड, जब कीबोर्ड होता है, आप ये बताओ मेरे दोस्त क्या कभी प्रोसेसर कोई डेटा कीबोर्ड को देगा क्या? कीबोर्ड को डेटा देने से कोई फायदा है क्या? डेटा मतलब समझ रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन, उसको क्या पता बेचारा, वो तो प्लास्टिक का है, तड़ 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 तड़। हमेशा कीबोर्ड प्रोसेसर को डेटा देगा, तो इसलिए आपका एरो ऐसा बना हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ऐसे बना हुआ है क्यों? क्योंकि भाई ये डेटा देगा, ये लेगा नहीं। और फिर आप देखो ध्यान से यहां पे आउटपुट में क्या जा रहा है, आपका जा रहा है, तो इसको आप बोल देते हैं यूनिडायरेक्शनल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डेटा जो बस होता है आपका वो होता है बाई डायरेक्शनल। अब ये बाई क्या है? जो दोनों तरफ से काम करे, जैसे कि ये वाला जो दोनों तरफ से काम करे उसको आप बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। और ये क्या आपका है? यूनि। और ये क्या है आपका? यूनि, जो एक ही दिशा में काम करता है, एक दिशी, इसको बोल देते हैं आप। बाई मतलब द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में, और यूनि मतलब एक दिशाओं में। तो डेटा जो आपका होता है वो हमेशा क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है आपका? बाई। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डेटा बस जो होता है वो कैसा होता है, तो बाई डायरेक्शनल होता है आपको, तो इसको याद रखना है आपको। बाकी कल मैं जब बताऊंगा आपको तो आपको फील भी आएगा और यहां से भी आपको आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या बोला आपने कि जो आपका एड्रेस बस होगा वो क्या होगा? यूनि होगा। एड्रेस बस जो होता है हमेशा यूनि होता है, बाई कैसे होगा भाई? आपको सोचो, क्या एड्रेस बस को बाई होना जरूरी है क्या? कि एड्रेस देगा भी और लेगा भी। जैसे आप किसी के यहां जाना है, आपको मान लो आपके दोस्त के यहां जाना है, या किसी आप फैमिली के यहां जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि आपके घर का भी एड्रेस चाहिए? नहीं दोस्त, आपको उसका एड्रेस चाहिए जहां आपको जाना है। ये थोड़ी कि उस वेन्यू में जहां आप जाने वाले हैं वहां पर ये पूछेंगे भैया आपका एड्रेस बता दो तभी हम बताएंगे आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो एड्रेस बस होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, वो एक दिशा ही होता है। और जो कंट्रोल बस होता है वो बताया जाएगा आपको कल किस तरह होता है वो आपका, ठीक है। तो ये पूरी सीन है आपका। तो ये होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर होता है। आगे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि
आपके सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर दोनों दिया हुआ है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल था तो हमने माइक्रो कंट्रोलर क्यों लिया, आइए समझते हैं इसको हम लोग, और बहुत डिटेल में समझेंगे इसको भी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आइए समझते हैं। उन्होंने क्या बोला, अ माइक्रो कंट्रोलर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और सिंगल चिप इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है ना, यहां क्या है मेमोरी है ना, यहां क्या है इनपुट है ना, यहां क्या है आउटपुट है ना, और ये पूरा क्या है आपका एक सिंगल चिप है ना। बोलो भाई हाँ है ना। यहां पे क्या होता है कि आपका जो जो भी आपका मेमोरी है, आपका इनपुट आउटपुट है, जो भी कुछ है आपका, वो आपका एक चिप बना होता है, उसके अंदर ही सब फिट होता है। यानी मेमोरी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट सब एक साथ ही होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे प्रोसेसर की, तो वहां मेमोरी बाहर होता है, इनपुट आउटपुट बाहर होता है, सिर्फ प्रोसेसर आपका होता है। और यहां पे ये सभी क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी और इनपुट आउटपुट को आपको अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में आपका जो इनपुट आउटपुट है और आपका जो मेमोरी है वो साथ में लगा होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। दैट इज योर माइक्रो प्रोसेसर, जो मेन होता है। आपने देखा होगा कभी कि उसके ऊपर फैन लगा होता है। अगर बात करूं मैं सीपीयू का देखते, तो उसके ऊपर ऐसा लगा होता है जो हीट जनरेट होती है, भाई वो काम करता है ना। i3 i5 i7 जो आप कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग रहेगा तो बहुत ज्यादा काम करेगा, तो कैसे करेगा, वो इसी वजह से करेगा। बात समझ आई। और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। उसका काम क्या है, उसका काम बस ये है कि भाई आपने मशीन में डाला, उसने घुमाया, उसको रेजिन किया, फिर उसके बाद निकाला, और कोई काम नहीं है। यानी कि कोई स्पेसिफिक टास्क करना होगा तो आप माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, आप माइक्रो प्रोसेसर क्यों यूज करेंगे। अब डाउट ये भी आता है कि भाई जब माइक्रो प्रोसेसर था अपने पास, ऑलराउंडर था, तो हमने माइक्रो कंट्रोलर क्यों यूज किया। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई ये माइक्रो प्रोसेसर आपका सब काम कर रहा है, तो ये पैसे भी ज्यादा लेगा ना। और माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, आपको बस एक ही काम करना है, एक स्पेसिफिक काम करना है, तो आप क्यों फालतू में इतना बड़ा मशीन लगाओगे। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर भाई उसका सर्किट एक्सपेंसिव भी होता है और हर चीज उसकी चीजें अलग होती हैं। माइक्रो कंट्रोल में क्या हुआ, आपको एक छोटा सा काम करना है, आपने फटाफट कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, आपने बना के दे दिया। लो भाई ये है जिसको बोल देते हैं एम्बेडेड सिस्टम। आजकल जो नाम सुन रहे हैं आपका, एम्बेडेड सिस्टम जो बोलते हैं आप, वो माइक्रो कंट्रोलर ही होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर में जो डिफरेंस है बेसिक सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर ना, जब आपका आएगा आगे आने वाले दिनों में, तो मैं आपको पूरा एक टेबल दे दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और वहां से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो यहां पे मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी टास्किंग होता है, वो कई सारे काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेसिफिक काम करेगा जिसके लिए आपने उसको बनाया है। दूसरा क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर में आपका जो मेमोरी होता है, आपका जो इनपुट आउटपुट होता है, ये सभी एक साथ एक चिप में जुड़े होते हैं, ये सब साथ में लगे होते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में आपका क्या होता है, वो अलग अलग लगा होता है। आपका चिप लगा होगा और फिर मेमोरी आपको अलग से लगानी होती है, सब कुछ आपका अलग से लगा होता है, ये साथ में इनबिल्ट नहीं होते हैं। अभी के लिए बस यही दो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिए, बाकी जब ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में, 2-4-10 दिन बाद जब आपका माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होगा, तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इसको कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये बात क्लियर दोस्त। तो माइक्रो कंट्रोलर समझ में आया, माइक्रो प्रोसेसर समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया अच्छे से आपको, और दोनों को आपको लिख भी लेना है साथ में लगे हाथ। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आपका मशीन लैंग्वेज। इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, चर्चा क्यों कर रहे हैं, आइए समझते हैं। तो एक बेसिक सा जो ओवरव्यू था माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब भाई जब माइक्रो प्रोसेसर आपने बोल दिया है, तो जब आपने बोला कि वो इंस्ट्रक्शन लेगा फिर देगा फलाना ढिमाका, जो आपने बोल दिया है वो कैसे होगा वो भी जरूरी है ना। आपकी मेमोरी में कोई चीज कैसे स्टोर होती है, जैसे आपने डाला हाय हाउ आर यू, तो हाय हाउ आर यू जो आपने टाइप किया है, या जो आपने फोटो क्लिक की है और फोटो क्लिक करके जो आपने उसको स्टोर किया है आपके मेमोरी में, क्या वो मेमोरी में आपकी शक्ल ही जाती है क्या, नहीं, वो मैट्रिक्स फॉर्म में जाता है। मैटलैब वगैरह पढ़ते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छे बताया जाता है, वो आपका जाता है बाइनरी फॉर्म में, 0101 फॉर्म में जाता है। बाइनरी मतलब होता है द्विआधारी,
आपके नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हैं, डिजिटल में पढ़ते हैं आपका इसका यूज यहां पे होता है, तो आप परेशान मत होइए। डिजिटल में ये नहीं बोलूंगा कि जब डिजिटल आएगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। क्या मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे ये जो मशीन आपकी है ये आज की मशीन नहीं है, ये बहुत शानदार मशीन है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पहले आना चाहिए डिजिटल वगैरह थोड़ा बहुत, लेकिन कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा। नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति आपकी होती है, आप मैथ भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, वो अलग चीज होती है, वहां नेचुरल और ये सब पढ़ते हैं आप, नेचुरल हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल हो गया, परिमेय अपरिमेय संख्या सब पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पढ़ते हैं आप बाइनरी जिसको बोलते हैं द्विआधारी, फिर आप बोलते हैं ऑक्टल जिसमें बेस 8 होता है, फिर आप बोलते हैं डेसिमल जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपका आता है हेक्सा डेसिमल। तो अगर आपसे बात की जाए तो हेक्सा डेसिमल ही आप यूज करते हैं, और उसका रीजन है हम समझेंगे कि हेक्सा डेसिमल ही कंप्यूटर क्यों यूज करता है। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो यहां पे वापस आते हैं और बात करते हैं जो ये लिखा गया है, क्या बोला उन्होंने, मशीन लैंग्वेज, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, बताते हैं आपको क्या, कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं या जब आप कोई कोडिंग करते हैं, आपने सी लैंग्वेज किया जो हाई लैंग्वेज होती है, ABCD फॉर्म में होती है, तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, तो आपके कंप्यूटर में क्या होता है, 0101 स्टोर होता है। अब ये मशीन लैंग्वेज ही क्यों होती है, मशीन लैंग्वेज ही क्यों कंप्यूटर यूज करता है, और कोई लैंग्वेज और कोई भाषा क्यों यूज नहीं करता है, उसका कारण है, और इसको आप मशीन ही क्यों बोलते हैं उसका भी कारण है। तो इसके पीछे एक कहानी है और एक चुटकुला है जो आपको सुनाना है, ठीक है। कहानी यह है कि भाई एक रेस्टोरेंट में क्या होता है कि तीन लोग बैठे होते हैं, अमेरिकन, चाइनीज और इंडियन। मैं क्या बताने वाला हूं, मशीन लैंग्वेज की कंसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो चाय का ऑर्डर करते हैं, जब वो चाय का ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है दोस्त, तीनों चाय पीते हैं, जब चाय खत्म हो जाती है तो जो अमेरिकन होता है वो कप को सीधा रखता है, जिस कप में चाय पी है उस कप को खत्म होने के बाद उसने सीधा रख दिया, जो चाइनीज होता है वो कप को उल्टा रख देता है, और जो इंडियन होता है वो कंफ्यूज हो गया, भारतीय वैसे भी जुगाड़ू होते हैं लेकिन वो टेंशन में गया, इसने रखा सीधा, इसने रखा उल्टा, ऐसे कैसे, तो उसने किया टेढ़ा, ना सीधा ना उल्टा, टेढ़ा, कहा चलो भैया टेढ़ा देते हैं, बात खत्म, तिरछा। अब कहानी ये हुई, अब हुआ ये कि जो चाइनीज था जो अमेरिकन था वो कंफ्यूज कि यार हमने रखा है सीधा, इसने रखा है उल्टा, और ये बीच में कैसे रख दिया इसने, तो उनको उत्सुकता हुई कि ऐसा क्यों किया भाई साहब ने। तो अब इंडियन ऑब्वियस बात है, उसको तो उनको तो पता ही नहीं था कि भाई अमेरिकन ने सीधा क्यों रखा है, चाइनीज ने उल्टा क्यों रखा है। तो पहले उसने बोला कि आप बताओ पहले कि भाई आपने क्यों रखा है ऐसा, तो अमेरिकन ने बोला कि मेरे को चाय चाहिए इसलिए मैंने उसको सीधा रखा, जो आपका चाइनीज था उसको चाय नहीं चाहिए इसलिए उसने उल्टा रखा, लेकिन जो इंडियन है तब बोला कि मैंने तिरछा इसलिए रखा, अगर चाय हो तो दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ये जुगाड़ होता है अपना, जुगाड़ बहुत फास्ट है, भले ही आपका जो ये प्रोसेसर वगैरह है ये फॉरेन में खोजा गया है, इंटेल ने खोजा था, बात की बात है, इसकी जो लैंग्वेजेज है चीजें हैं सब फॉरेन टाइप में होती है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन बात करते हैं आप, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम ही लोग राज कर रहे हैं इस समय, आपको पता ही है इसके बारे में। आइए वापस आते हैं मुद्दे पर कि भाई इस जोक से इसका क्या संबंध है, मशीन जो होती है वो सिर्फ ऑन और ऑफ ही होती है, आपके घर में फैन लगा हुआ है मशीन ही तो है, क्या वो ऑन ऑफ के अलावा कुछ और करता है क्या, आप बोलो सर वो तो हवा देता है, अरे हवा देता है बात की बात है मेरे दोस्त, लेकिन आप सिर्फ ऑन और ऑफ ही तो करेंगे, सिर्फ ऑन और ऑफ ही तो करेंगे। अगर मैंने गलती से, आपको सोचिए, अगर मैंने गलती से आपका डेसिमल सिस्टम यूज कर लिया होता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो फिर मान लो 0 को दिया आपने ऑफ, 1 को दिया ऑन, 2, 3, 4 को आप क्या दोगे इनाम, तो इसलिए आपने बाइनरी सिस्टम खर्च कर लिया, सर्च कर लिया, खर्च नहीं मतलब सर्च कर लिया आपने कि 0 है तो ऑफ, 1 है तो ऑन, 0 है तो लो, 1 है तो हाई, 0 है तो रीसेट, 1 है तो सेट, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि 0, 1 क्या कैसे है, बाकी डिजिटल में इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं और यहां भी हम समझेंगे। तो क्या देखा आपने, मशीन लैंग्वेज की बोला आपने कि मशीन जो होती है वो ऑन ऑफ ही हो सकती है और मशीन 0, 1 की भाषा समझती है, तो वही ने लिखा हुआ है इफ अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, यानी कोई कमांड या आपने निर्देश जो दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, रिटन इन बाइनरी पैटर्न, सच टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड या नोन एज मशीन लैंग्वेज, इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, मतलब जिसपे आपने कोडिंग की है वो उसी पे चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा। अब ये समझ नहीं आता कि सर ये मशीन डिपेंडेंट है क्या, अरे वाह, थैंक यू सो मच हल्दर भाई,
ये मशीन डिपेंडेंट है क्या, आइए समझते हैं। देखिए मशीन डिपेंडेंट क्या होता है बेसिकली, कि जो किसी पे डिपेंड कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बढ़िया सा, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, पहले के टाइम पे आपने नाम सुना सीडीएमए, रिलायंस का एक सीडीएमए फोन आता था। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा अभी, जैसे रिलायंस का सीडीएमए होता था, उसमें जो सिम लगता था वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का लगता था। चलिए छोड़िए, अवॉइड इट। जियो का फोन आता है ना, जियो के फोन में सिर्फ जियो का सिम लगता है और किसी भी नहीं लगता सिम आपका। तो क्या बोला आपने, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी जियो का सिम जियो के फोन में लगेगा। अब वो जियो का सिम आप आईफोन इसमें लगाते हो बात की बात है, लेकिन मैं नॉर्मल सिम बात कर रहा हूं। और जैसे आपका एयरटेल सिम हो गया, ये सब सिम हो गए कहां, हर फोन पे लगते हैं, हर फोन पे लगाते हैं। जैसे आप प्ले स्टोर लो, प्ले स्टोर आपका, प्ले स्टोर जो आपका होता है, प्ले स्टोर हमेशा एंड्रॉयड फोन में ही होता है, आईफोन में नहीं होता। आईफोन का अपना प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर बोलते हैं इसको आप ना, आईफोन का आईट्यून्स वगैरह जो भी है वो अपना है। तो एंड्रॉयड में, यानी कि अगर आपको प्ले स्टोर चलाना है तो आपको एंड्रॉयड होना पड़ेगा, यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आईफोन है तो आईट्यून के लिए आपको आईफोन लेना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। वही मैंने बोल दिया जीमेल प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो आपके रियलमी, रेडमी, ओप्पो जितने भी हैं सब में रहेगा। आपका जो क्यूटेक ऐप है ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही है, जैसे आपके एंड्रॉइड में ही चलेगा, आईफोन के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी आपकी होती है। तो जो ये लिखा गया है कि भाई जब कोडिंग आपने की है 010101, जिसने किया है वही तो बता पाएगा, तो इसलिए बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट आपका ये होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मशीन डिपेंडेंट बोल देते हैं। तो अब जब मशीन डिपेंडेंट आपने बोल दिया दोस्त आपका, तो इसका सेंस क्या है बताओ भाई दोस्त, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज समझ में आया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बताओ। क्लास लंबी चलेगी थोड़ी सी, क्योंकि कारण यह है कि टेक्निशियन ग्रेड वन का जो एग्जाम है वो जल्दी होने वाला है, जल्दी मतलब कि आपको टाइम थोड़ा कम मिला है, तो मैं ऐसे ही क्लासेस खींचूंगा, ठीक है। आप मजे से क्लास करिए और सिलेबस टेंशन मत लीजिए, मैंने आपसे बोला है दिन रात एक कर देंगे और चीजें बहुत परफेक्ट करेंगे, डोंट वरी। आगे आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आपका, और सो मत जाना, सोना नहीं है, प्लस हो के आराम से लेटे हुए उसे देख रहे हो ना, जागिए और देखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका असेंबली लैंग्वेज, ये क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 010101। देखिए 0101 दिखेगा हमको तो क्या हम समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो कौन समझेगा, आपका प्रोसेसर, जो आपने वर्ड बोला है डिकोड करना, कहते नहीं कि मैं इस प्रॉब्लम को डिकोड कर रहा हूं। तो डिकोड मतलब क्या हुआ कि भाई जब 01, क्योंकि आपकी मेमोरी में तो 0101 है, आपके मेमोरी में तो 0101 स्टोर है, आपने फोटो क्लिक की, वो फोटो आपके मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, 0101 फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है जब आप फोटो को मांगेंगे वापस कि लाओ भैया फोटो दो मेरा, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको डिकोड करना पड़ेगा, कोई गलत फोटो नहीं चली गई। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका आता है असेंबली लैंग्वेज। क्या उन्होंने बोला, इफ अ बाइनरी पैटर्न, बाइनरी मतलब कि आपका 01 जो था आपका बाइनरी पैटर्न आपने, इज रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज लाइक वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज लाइक वर्ड मतलब कि एड ए कॉमा बी, Add B, C, Sub, SUB, Subtract B, C, ऐसे इंग्लिश वर्ड आ गए जो कि हम इंसान समझ सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोल देंगे असेंबली लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं निमोनिक्स। और ये जो निमोनिक वर्ड है बहुत यूज होने वाला है, निमोनिक समझते हैं आप, जैसे कि एड ए कॉमा बी, अभी आपको शायद बहुत कम समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से एहसास हो जाएगा। निमोनिक कुछ नहीं होते हैं, वो आपका असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम है, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा एड ए कॉमा बी, इसका मतलब ये निमोनिक है। मैंने लिखा 0111101, ये आपका मशीन लैंग्वेज है, और ये एड ए कॉमा बी, ये आपका असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट यार उन्होंने बोला ये भी आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ये भी क्या होता है दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, कोई दिक्कत यहां तक। अब आती है बात कि अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज लिखी एड ए कॉमा बी, सपोज दैट, अब मुझे उसको डालना है कंप्यूटर के अंदर। अभी आपने क्या बोला सर कि जो कंप्यूटर होता है, जो मेमोरी होता है, उसके अंदर 0101 जाता है, हाई लो हाई लो हाई लो 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 हाई 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 ऐसे जाएगा ना, तो वो डेटा ऐसे स्टोर करता है, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई, तो ऐसे कट कट कट, आप इतनी है वो मोर्से कोड जो बहुत कोड में बात करते हैं, तो कुछ वैसा ये भी है, और ये हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे बस का नहीं है दोस्त, बात समझ नहीं आई। तो होता क्या है, सौरव साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये मैं गारंटेड आपको मैं बताने वाला था, लेकिन आपने पहले पूछ लिया, वेरी गुड।
जब बाइनरी लैंग्वेज, जैसे कि डाउट इनका ये है कि सर बाइनरी लैंग्वेज जब 0 1 था तो हम ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल क्यों यूज कर रहे हैं, इसका आपको आंसर मिलेगा कल वाली क्लास में। जब बाइनरी मैंने यूज कर लिया है तो व्हाई वी यूज द ऑक्टल डेसिमल एंड हेक्सा डेसिमल। और मैंने अभी आपको बोला भी था कि जो भी काम करते हैं आप, जो भी काम करते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम में, आपका सभी हेक्सा कोड होता है, हेक्स कोड में होता है हमेशा, ऑलवेज। तो ये आपको कल अच्छे से पता चलेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बहुत प्यारा डाउट, वेरी गुड, यानी आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है चीजें। अब ये नहीं कि इनको नहीं, सबको आ रहा होगा, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि आप करेंगे ओपी ओपी करेंगे, जाहिर सी बात है। आप लोग बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, आपको जॉब चाहिए, इसलिए आप लोग सीरियस होकर देख रहे हैं। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछिएगा इसको, गॉट इट। चलिए आते हैं यहां पर। सो अब जो असेंबली लैंग्वेज है, अगर मुझे इसको रिस्टोर करना है तो जाहिर सी बात है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा ना दोस्त, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है, अगर मैं इसको चेंज करूं तो मुझे क्या चाहिए होता है, असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, असेंबलर, यानी कि असेंबलर के द्वारा मैं इसको मशीन लैंग्वेज में बदल देता हूं। एम बाई सी अगर मैं लिखा तो उसका मतलब क्या होता है आपका, ये मशीन लैंग्वेज है। एम बाई सी मतलब क्या होता है आपका, सॉरी एम बाई सी नहीं, क्योंकि अभी आगे मैं इसको कहूंगा तो कंफ्यूज होगे, इसको लिखता हूं सीधे मशीन, क्योंकि मशीन साइकिल अभी आने वाली आगे, तो इसलिए मशीन लैंग्वेज ये आपका। तो जो ये असेंबलर होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। तो लोग सोचते हैं कि यार सब काम एक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असेंबली लैंग्वेज को हमारे माइक्रो प्रोसेसर में असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, कैसे आपको समझ में आएगा आगे चल के, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या देखा आपने, असेंबली असेंबलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसको अपने पास स्टोर कर सके। ये कुछ वैसा ही है ट्रांसलेटर, कोई रशियन या कोई आपका चाइनीज आ गया, बीच में होते नहीं कि ट्रांसलेटर होते हैं फिर आपस में बात करते हैं, तो वैसा ही कुछ कहानी ये भी है। तो ये बीच में बनता है ब्रिज टाइप, ये होता है सेतु, ब्रिज आपका, ठीक है। तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग, इसको हम बोल देंगे ट्रांसलेटर। अगर आपको लिखना हो तो आप लिखना, ये क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है ट्रांसलेटर। क्या ये बात क्लियर दोस्त, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है आपका, सॉफ्टवेयर है जो यूज करता है। और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और कभी कभी हैंड असेंबली भी होती है, ये पहले तो थी अब नहीं ऐसा है, तो आप बोलते हैं इसको हैंड असेंबली, जब हम हाथों से कन्वर्ट करते हैं। हाथों से कैसे करेंगे, हाथों से मतलब कि आपका स्टेप बाय स्टेप जो करते हैं, पहले आप करते थे बकायदा, क्या आपका पूरा कोड भाई साहब ऐसे नहीं आ गया जो आप फट से ऐसे क्लिक करते हैं फट से सब खुल जाती हैं, पहले कमांड देनी पड़ती थी। डॉस आपने पढ़ा होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आपका विंडो आ गया जब से ना, तो कमाल ही कमाल हो गया कि आपने जैसे ही देखा GUI जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ये शब्द मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके क्वेश्चन बन के सामने आएंगे, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके सामने लोगो बने होते हैं ना, आप फट से क्लिक करते हैं, क्यूटेक का लोगो बना फट से क्लिक कर दिया, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, आपको ओपन करने के लिए कमांड देनी पड़ती थी। और शायद बहुत लोगों ने डॉस पे काम किया भी होगा, देखा भी होगा, पटेल साहब क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ग्रुप में चैट में चल रहा है सब काम धाम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। ऐसे आप बात करते रहिए आपस में और ज्ञान ऐसे बांटते रहिए और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, गॉट इट, बहुत अच्छे, क्या बात है सर, आगे बात करते हैं। तो क्या देखा आपने कि ये आपका क्या हुआ, पहले हम लोग लेते थे कि भाई अच्छा ये जो कोड लिखा हुआ है इसका क्या है, अच्छा ये है, अच्छा लिखो भाई इसको, अच्छा ये है इसको लिखो, आप आपको दिखाऊंगा मैं इसका जो प्रैक्टिकल है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे ये दिखता है आपका, गॉट इट। तो ये आपका हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये हो गया असेंबलर। अब आता है आपका क्या नेक्स्ट, आपका आता है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा इसको बोल देते हैं। ये क्या होता है भाई आपका, लो लेवल लैंग्वेज। अभी आपने पढ़ा मशीन लैंग्वेज, फिर आपने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज, तो ये लो लेवल कहां से आ गया भाई साहब, ये क्या बोलेंगे आप, ऑल प्लेटफॉर्म और मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। लो मतलब ये लो नहीं, ये ऐसा वैसा नहीं कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है दोस्त। लो मतलब ये कि सबसे जो कहते नहीं कि आपका ऐसे लेयर बनती है, तो सबसे जो निचली लेयर होती है जो सीधे मशीन से संपर्क करती है, किससे, मशीन से वार्तालाप करती है, मशीन से बातचीत करती है, वो होता है लो लेवल। सबसे डाउन में जो होता है आपका, उसका सेंस ये है। तो मशीन लैंग्वेज जो आपका होता है इसको आप लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग भाई, लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं। और इसी में आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, तो बताओ भाई,
जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप लिखोगे यहां पे क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। मैं आपको भी इसका एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज या इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। देखिए मैं प्रयास करूंगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन मजा तो अंग्रेजी के जो कंटेंट होते हैं उसमें ही मजा आता है, आपको ये पता ही है। अब मैं आपसे बोलूं कंप्यूटर नहीं संगणक, आपके तोते खुद उड़ जाएंगे, कह रहे क्या बोल दिया सर ने। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग टैलेंटेड हैं वो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। ठीक है, चलिए आते हैं वापस यहां पर। तो हाई लेवल क्या होता है भाई साहब का, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे आपका सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया। सर ये तो आपने नाम बता दिया, एक्चुअल में क्या मतलब होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लो मैंने कुछ ऐसे लिखा 01000 ऐसे 11 दिया हुआ है, ऐसे 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 दिया हुआ है, तो ये हो गया लो लेवल लैंग्वेज, क्या बोल देंगे मशीन लैंग्वेज आपका। ठीक है, और मैंने बोल दिया एड एड बी कॉमा सी, तो ये होता है आपका असेंबली, क्या होता है आपका असेंबली लैंग्वेज आपका। और आप जानते हैं कि इंट आपका ए है और आपने ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, तो ये तो बच्चा बच्चा पढ़ लेगा, तो ये होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। और ये आपका होता है जो आप बोलते हैं सी लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज आपका, जो हम समझ पाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि असेंबली जो होता है, यानी कि जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन में बदलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है बदलना पड़ेगा, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो समझ पाए ना कि यार इंसान ने क्या लिखा है। उसी टाइप से अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे दोस्त, आप लिखते हैं क्या कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका। ठीक है, क्या होता है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका, इसको आप लिखते हैं सोर्स कोड। जस्ट वेट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सोर्स कोड होता क्या है, बहुत डिटेल में सुनाता हूं, डोंट वरी। सोर्स कोड क्या है, आइए बात करते हैं इसकी। ठीक है, सोर्स कोड होता है आपका, और ये किसे बनता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में, और बीच में आपका आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए इंग्लिश हिंदी में यार, देखो मैं आपको यहां पे इंग्लिश सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं। मान लो कोई गलती से कोई भाषा मैंने लिख दी ऐसी वैसी, तो मजे मत लेना यार, आपका ही बड़ा भाई छोटा भाई हूं। ठीक है, आपको बस प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं चीजों को समझा सकूं सरल भाषा में। ठीक है, तो सोर्स कोड है आपका और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। तो ये बहुत भारी भरकम वर्ड जानबूझ लिखते हैं ये, ताकि लगे ना कि हाँ आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, नहीं तो फिर क्या फायदा, फिर तो हो जाएगा नॉर्मल। यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको आप बोल देंगे HLL, शॉर्ट में क्या बोलेंगे HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपका है लो लेवल लैंग्वेज LLL, लो लैंग्वेज बोल देंगे या लो लेवल लैंग्वेज बोल देंगे आप। तो हाई को आपने लो में बदल दिया विद द हेल्प ऑफ किसके, कंपाइलर या आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर या बोलेंगे इंटरप्रेटर आपका। ठीक है, क्यों किया आपने ऐसा, फिर से वही सवाल, मैंने आपसे क्या बोला है व्हाट हाउ एंड व्हाई, क्या क्यों और कैसे, जब तक आप ये नहीं लगाएंगे आपको ये चीज समझ नहीं आएंगी। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे जो मैंने काम किया है वो मेरे मशीन को समझ में आना चाहिए, और मेरे मशीन को समझ में क्या आता है 010101, क्योंकि मशीन है, मशीन में सिर्फ 01 ही बनता है, दैट इज रीजन। बात समझ में आई नहीं आई, तो इसलिए आपने इसको चेंज किया। अब मुद्दा ये आता है कंपाइलर और आपका जो क्या बोलते हैं आपका इंटरप्रेटर, इन दोनों में फर्क क्या होता है बताओ भाई, बोलो भाई, कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है बताओ भाई। जो आपका कंपाइलर होता है क्या करता है, ये आपका एक साथ, यानी कि ये एक साथ ही क्या करता है प्रोग्राम को रन कर देता है। अगर बात करूं मैं कंपाइलर की, तो क्या करता है ये पूरा एक साथ ही रन कर देता है एट ए टाइम, एक बार में ही पूरा खत्म, एक बार में ही पूरा खत्म कर देता है, क्या ये बात कही दोस्तों भाई। और ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता ही है, इसमें सी सी प्लस प्लस टर्बो सी, आपने नाम सुना होगा, कभी आपने कोडिंग की होगी, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं किया होगा, मैं मानता हूं कि कुछ फिजिक्स वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उसने किया, उन्होंने क्योंकि उनके में ऐसा रहता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं आपने भी कुछ ना कुछ तो भाई इसमें, तो यार ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्बो सी आपने सुना होगा नाम ना, तो वो सब क्या होते हैं आपके कंपाइलर ही तो होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपका होता है, सॉफ्टवेयर आपका होता है। ठीक है,
और क्या करता है ये, मैं यहां पे लिखा देता हूं कि आपका क्या होता है, ये एक साथ यानी कि वो लाइन बाय लाइन नहीं करता, एक साथ करता है, इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना आप, ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं करता, आपका क्या कहता है ये, एक साथ करता है। और जो आपका इंटरप्रेटर होता है आपका, जैसे कि आप जानते ही है, अगर ये एक साथ कर रहा है तो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, ये इंटरप्रेटर आपका जो होता है, इंटरप्रेटर आपका जो होता है क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन आपका, ठीक है, लाइन बाय लाइन आपका करता है। और इसमें जो आपका एग्जाम्पल होता है वो होता है बेसिक, क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक, बेसिक नाम से आपका होता है, आपका इंटरप्रेटर वो आपका होता है, ठीक है। तो ये हमने क्यों पढ़ा, लैंग्वेजेस क्यों पढ़ी हमने, उसका रीजन था, असेंबली पे हम काम करने वाले हैं, हमारे इस सब्जेक्ट में असेंबली ही पढ़ने वाले हैं, सी लैंग्वेज नहीं पढ़ने वाले हैं, आरआरबी जी पूछा जाता है, इसमें आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है सी लैंग्वेज, तो वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, हम ग्रेड वन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, हम यहां बात करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज की, इसलिए। और मशीन की बात क्योंकि हमने, क्योंकि भाई अब कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, आपको करना पड़ेगा, मजबूरी ये है, तो अब फटाफट कुछ नोट हैं वो लिख लेंगे ना, तो आपको बाय गॉड मजा आ जाएगा, और यही आपके एग्जाम में बन सकता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया देवी प्रसाद जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, अरे वसाव साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब नोट करके फटाफट से आप इसको लिख लीजिएगा, नोट करके, इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको लिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फास्टर एग्जीक्यूशन है, पहला पॉइंट कंपैरिजन के लिए, जो फास्टर एग्जीक्यूशन है, यानी कौन फास्ट होगा, फास्टर एग्जीक्यूशन कौन फास्टर होगा, बताओ भाई, फास्टर कौन एग्जीक्यूट करेगा। अब डाउट यह आएगा कि सर फास्टर किस सेंस में, यह भी तो बताओ। तो आपका जो मशीन लैंग्वेज है वो सबसे फास्टर होगा, मशीन लैंग्वेज जो आपका होगा वो सबसे फास्टर होगा लैंग्वेज आपका, देन आपका असेंबली लैंग्वेज, एंड सबसे स्लोवर क्या होगा आपका भाई, आपका हाई लेवल लैंग्वेज। क्या ये बात क्लियर है दोस्त, और आप ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर जो फास्टर की बात होगी वो बात होगी अपने कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि आप यार फास्टर हो स्लोवर हो आपके दौड़ने पर डिपेंड करेगा ना, आपके दौड़ने पर डिपेंड करेगा कि आप फास्टर हो कि स्लोवर हो। लेकिन जो आपका मशीन है उसको देखते हुए आप बोलोगे ना, अब आप बताओ मशीन के पास ये तीन आइटम रखे हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जो आपका कंप्यूटर है उसके पास आपने ये तीन आइटम परोस दिए सामने कि भैया लो खाओ, तो पहले कौन सा खाएगा वो। जैसे मैं हूं, मगर मैं एग्जांपल लूं अपना खुद का, भाई मुझे इंडियन खाना ही पता है, बाकी कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, व्हाटएवर बहुत सारे नाम होते हैं, इटालियन, पता नहीं क्या नाम होते हैं, मुझे नहीं पता। अगर मैं जाऊंगा कहीं किसी बहुत बड़े फाइव स्टार होटल में या सेवन स्टार होटल में, एक बार दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, अगर मैं गया हूं तो मैं ढूंढता हूं वहां पे जो इंडियन खाना हमने खाया हुआ है पहली बार, या जो हमने खाया हुआ है कभी भी, हम उसको ही ढूंढते हैं, क्योंकि नया खाना खाने से पहले, आई एम वेजिटेरियन ऑब्वियस बात है, तो मैं सोचूंगा कि यार कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए। अब कोई नॉन वेजिटेरियन ऑफेंड मत हो जाना भाई, क्योंकि सबका अपना चॉइस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आते यहां पर तो क्या देखा आपने कि भाई हम वहां पे सोचते हैं, और अगर देखा इंडियन फट से तो फट से मैं खाऊंगा उसको कि भैया आन दो पहले इसको, देखा जाएगा बाद में। तो वैसे कहानी यहां पे भी है, जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को ये तीनों लैंग्वेज दी, वो खुश हो जाएगा कि अरे ये तो अपना भाई है, इसको खाओ पहले, बाद में ये तो देखा जाएगा, फिर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप खा पाएंगे। दैट्स व्हाई आपका फास्टर एग्जीक्यूशन में होगा, आपका मशीन लैंग्वेज में होगा। क्या ये बात क्लियर दोस्त। सेकंड आता है कि जो मेमोरी सबसे ज्यादा कौन लेगा, सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड लार्ज मेमोरी। बताओ भाई किसको रिक्वायर्ड होगी लार्ज मेमोरी। अच्छा मैंने इसको हिंदी में लिखा, मैं लिख देता हूं फास्टर एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं, सबसे तेज कौन है, सबसे तेज, ठीक है। और यहां पे ज्यादा मेमोरी किसको चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है दोस्त, ज्यादा मेमोरी किसको चाहिए, जाहिर सी बात है मशीन लैंग्वेज को बहुत कम चाहिए, ML मतलब मशीन लैंग्वेज, MLM नहीं, ML सबसे कम, फिर आपका असेंबली लैंग्वेज, फिर आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या ये बात कर रहे, बोले यार
चलिए आगे बढ़े। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक था आपका, जो कि आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला था। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि आपका प्रोसेसर काम कैसे करता है, ये तो आप सीखेंगे किसमें, आर्किटेक्चर में, जो कि आपको आगे यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, ये सब भी आपको बताने वाला हूँ, ये लास्ट आपका टॉपिक है, इसको बता के फिर हम आगे कवर करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, ये आपका मेन कहानी है, ये आपका पहला ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपका 8085 का है। इसको ही आपको समझना है कि ये है क्या। मेरे टाइम पे मैंने इसको रट मारा था, और जो ये एरो एरो देख रहे हैं ना आप, ये मुझे लगा ये टाइम पास के लिए है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा समझा परखा, मैंने भी कहीं सीखा है ऑब्वियस बात है, तो फिर समझ आया कि भैया इसका मतलब है ये टाइम पास के लिए नहीं है। और कल पूरी क्लास में इसको मैं पूरा अच्छे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने ये कर लिया, गारंटी में कह रहा हूं कि माइक्रो प्रोसेसर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना ले जाओगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो कल की क्लास में आपका ये होने वाला है। उससे पहले कुछ बेसिक पार्ट जो बचे हुए हैं वो खत्म कर लेते हैं, और बहुत सारी बातें खत्म कर लेते हैं। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका म्यूपी जो होता है, स्टार्ट कहां से हुआ था, 4004। ये सभी इंटेल के हैं, ये सभी इंटेल के हैं। 4004 आपका 4 बिट का था, पी मॉस पे काम करता था। अब ये पी मॉस क्या है, कई लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और वहां पे डिवाइस सर्किट, वहां पे आपको मैं बताऊंगा। अभी बताने गया तो फिर ये कम से कम आधे घंटे ये भी ले लेगा। अभी बस याद रखिए, पी मॉस मतलब होता है, पी टाइप आपका है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आपका। ठीक है, फिर आपका आया 8008, ये आपका 8 बिट का था। आपसे ये भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर आपका 8080 आया, फिर लास्ट में आया 8085। ये आपका 8 बिट का होता है और ये एन मॉस पे काम करता है। ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, जो बातें मैं बोल रहा हूं ये आपसे पूछी गई हैं। फिर आपका आया 8086, ये 16 बिट का होता है और ये एच मॉस, इसको बोलते हैं हाई स्पीड में, आपका यहाँ पे हाई डेंसिटी लिखा हुआ है, एच मॉस पे डिपेंड करता है ये, मतलब काम करता है। अब जो ये 8085 नाम है, इसका भी कुछ काम है क्या, समझो 80 आपको मतलब समझे आप, ये आपका 1970s में बना था ना, तो 72-73 में आया था आपका ये। ठीक है, तो इसलिए आपका 80 वहां से आया। और जो ये 8 लिखा हुआ है ना, ये 8 बिट, ये आपका 8 बिट होता है। अब ये 8 बिट क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा रिलैक्स रहें, कहीं ना कहीं आपको भी एक समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा गड़बड़ करना। अच्छा नहीं, और चलाते चलेगा, कोई बात नहीं, कल चलाएंगे। कल की क्लास थोड़ा लंबी रहेगी, कारण ये कि पूरा आपको आर्किटेक्चर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट किया तो उसको एंड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और जो ये 5 दिया हुआ है दोस्त आपका, 5, ये आपका जो 5 है इसका मतलब होता है 5 वोल्ट पे काम करता है ये। क्या करता है ये, 5 वोल्ट पे काम करता है ये। तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा 8085, हाइब्रिड बोल देते हैं। सही कहा मैंने, सही बता आपका, ये हाइब्रिड भी होता है, हाई डेंसिटी भी होता है, हाई स्पीड भी होता है, इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, एच मॉस। ठीक है, लेकिन है ये मॉस कैपेसिटर आपका, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं, फिर आपका 80186 आया 16 बिट का, फिर 286 आया 16 बिट का, फिर आपने बिट्स बढ़ाते गए 32 32। अच्छा, ये बिट क्या होता है मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी खत्म करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं मन में डाउट रहेगा। तो कल की क्लास में फिर क्या होगा, पूरा पूरा हम सिर्फ आर्किटेक्चर ही करेंगे, नहीं तो ये मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा। चलिए बताता हूं भी आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिर आपका आया 808586, फिर आपका पेंटियम, फिर आपका प्रो आया, फिर पी सेकंड थर्ड फोर्थ डुअल कोर क्वाड डोर आपका सब आया था, 64 बिट के थे ये। ये आपका 22 सीमॉस पे काम करता है। अब ये 22 सीमॉस क्या होता है, सीमॉस क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वैसे मैं रटवाने में ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बोलूंगा कि आप इसको रट मारो, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना किसी पे। पीएचडी करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइन कर लेंगे, जॉब आ जाएंगे, फिर पीएचडी करते बैठेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या ये बात क्लियर है, ग्रेट। तो अब बात करते रहते हैं, इंट्रोडक्शन तो आपका जो भी है वो हो चुका है, बाकी इसको हम कराएंगे अच्छे से आपका, जो ये आपका ये जो ना ये कराएंगे आपको, डोंट वरी। और क्वेश्चंस भी होंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस भी रखेंगे धुआंधार, और क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन जब तक आप थ्योरी कर लेंगे, कितना भी थ्योरी पढ़ लें आप, आपका क्वेश्चन होना जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है, नहीं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं बिट की, ये जो बिट आपने बोला है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं। आपने बोला 8 बिट, ठीक है, वेल एंड गुड है, 8 बिट है आपका। पहले तो समझते हैं कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है। बिट हो गया, फिर आप बोल देते हैं निबल, ठीक है, फिर आप बोल देते हैं बाइट, और फिर आप बोल देते हैं वर्ड।
क्या ये बात क्लियर है? और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, चाहे कंप्यूटर पूछ ले, चाहे आपका इसमें पूछ ले, आपका पूछेगा तो है ही। बिट जो होता है ये आपका 0 1 होगा, जाहिर सी बात है 0 या 1 ही होगा। निबल जो होता है ये आपका 4 बिट का होता है। बाइट जो होता है ये आपका 8 बिट का होता है। और आपका जो ये वर्ड होता है ये आपका 16 बिट का होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे भर भर के पूछा जाता है ये। क्या ये बात क्लियर दोस्त? जो आपका ये बिट है ये भर भर के पूछा जाता है। अब ये निबल क्या होता है और बाइट क्या होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो है फॉरेन के लोगों ने ही ऑब्वियस बात है किया है, तो भाई बोलना ही पड़ेगा। तो निबल मतलब होता है निबलिंग, छोटे बच्चों को जब खाना खिलाते हैं ना तो उसको बोलते हैं निबलिंग कराना, तो ये होता है 4 बिट का। और जो बाइट होता है, हम खाना खाते हैं ना बाइट, यार 1 बाइट दे दे यार, 2 बाइट दे दे यार, 3 बाइट दे दे यार, तो ऐसा क्या होता है बाइट, यानी कि जब बड़ा खाना खाना होता है। अरे वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच अजय भाई, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ तो क्या देखा आपने, बाइट आपका ये होता है। व्हाट अबाउट वर्ड? वर्ड जो होता है ये होता है 16 बिट का। क्या होता है आपका? 16 बिट का होता है, यानी कि वर्ड। ऐसा मुद्दा ये आता है कि सर बिट की बात चल रही है, आप कहां आ गए? बात तो बिट की हो रही थी, ये 8 बिट जो आपने बोला है इसका मतलब क्या है जनाब? आप खुद सोचिए। मान लो मैंने आपसे बोला, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे क्या बोला, इसको मैं यहां पे साइड में थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको फिर समझाने में आसानी हो। यहां मैंने साइड में इसको लिख दिया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी। आप बोलो सपोज दैट मेरे पास 2 बिट हैं। अगर 2 बिट हैं इसका मतलब क्या हुआ भाई? 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 2 बिट है या तो दोनों जीरो होंगे, जैसे आपका हेड टेल होता है यार, एक बार कॉन ट्वाइन ट्वाइन ट्वाइन, ऐसा नहीं, कॉइन टॉस किया आपने, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर 2 बार किया तो क्या होगा? या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। तो वैसे ही 2 बिट है, या दोनों ही ऑफ होंगे, या एक ऑफ एक ऑन होगा, एक ऑन एक ऑफ होगा, या दोनों ऑफ होंगे, दोनों ऑन होंगे सॉरी। ठीक है, अगर मैंने 3 बिट लिया, 3 बिट में क्या होगा आपके? 8 बनेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8। तो कैसे लिखता हूं मैं इसको? 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, फिर 2 0, फिर आपका 2 1, फिर 2 0, फिर आपका 2 1, फिर आपके 4 0, ऐसे लिखते हैं, और 4 बार 1। ये मेरा तरीका था जब मैं पढ़ता था, मैं ऐसे लिखता था क्योंकि बड़ा मैं इसमें कंफ्यूज होता था। ठीक है दोस्त, तो ये आपने लिखा, बस 2 मिनट रुकिए, सिर्फ 2 मिनट, आपको मैं सब कुछ सुनाता हूं कि ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इसका रीजन क्या है, और आप खुद ही समझ जाएंगे अभी। ठीक है, बहुत आराम समझिएगा, बहुत आराम से। मैंने बोला आपसे कि भाई चलो अच्छा ये तो हो गया, अगर मेरे पास 4 बिट हैं, अगर मेरे पास 4 बिट है तो कितना होगा? 4 बिट मतलब कितना होता है जो आपका ये आता है 2 की पावर 4, यानी कि 16। अगर मेरे पास 5 बिट है सर तो कितना होगा? आपका जाएगा 2 की पावर 5, यानी कितना होगा आपका? बताओ भाई 32। मेरे पास 6 बिट हैं तो कितना होगा भाई साहब? 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा आपका? बोलो यार, बोलो बोलो, 64। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि जो आपका मशीन होता है, जो आपका मशीन होता है कंप्यूटर आपका जो होता है, जो मेमोरी होती है उसके अंदर, उस मेमोरी में आपका जो डेटा स्टोर होगा, जो आपका डेटा रहेगा, जो आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज, आपका जो भी सब कुछ है, वो कैसे रहेंगे? बाइनरी फॉर्म में रहेंगे, बाइनरी फॉर्म में। यानी जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज योर बाइनरी फॉर्म, ये बाइनरी फॉर्म है 0 1 0 1 0 1। आप ये बताओ, ये मैंने ऐसे नाम लिखा मैंने और दे दिया कि भाई आपका ये एड है, ये सब्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई मान लो आप बोल दिया आपने, ये डिवाइड बोल दिया आपने, इसको कुछ भी ले लो आप, एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो आप। यानी क्या बोला आपने कि अगर 0 0 होगा तो ऐड होगा, अगर 0 1 होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, अगर 1 0 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर 1 1 होगा तो डिवाइड होगा। इसी को बोलते हैं डिकोड करना, यानी जो प्रोसेसर होगा उसको क्या मिलेगा? वो मिलेगा 0 0। आपका जो प्रोसेसर रहेगा उसको क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा, 0 0 उसके पास आएगा, फेच करेगा, वो जो आपने बोला ना फेच करना, तो वो फेच करेगा ऐसे। जब वो फेच करेगा तो उसको क्या मिलेगा? 0 0। मान लो यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसे बना हुआ है, ये आपकी मेमोरी है, और यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ 1 0 है, और यहाँ पे फिर 0 0 है, तो क्या होगा? वो मेमोरी से, ये आपका मेमोरी है मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, वो क्या करेगा? पहले फेच करेगा, रीड करेगा, पहले क्या आएगा? 0 0। जैसे ही 0 0 आया वो करेगा डिकोड। डिकोड मतलब क्या होता है?
कि वो है क्या, तो वो अपने देखेगा, अरे अच्छा ये तो ऐड है, यानी कि पहले में क्या करेगा वो ऐड करेगा, फिर क्या करेगा बताओ भाई, 01 पे क्या करेगा, 01 पे करेगा सब्सट्रैक्ट, तो यहां करेगा ये सब्सट्रैक्ट करेगा, फिर 10 क्या करेगा आपका मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये क्या करेगा आपका फिर से ये ऐड करेगा, फिर से ये ऐड करेगा, तो फेच जो बोलते हैं आप रीड करना, समय रीड ऐसे ही रीड करेगा, तो ऐसे ही आपका आपकी फोटोज होंगी, कोई मोबाइल होगा, कोई मूवी होगा, सब ऐसे ही स्टोर होता है। यहां जो मैंने ऐड ये लिया एग्जांपल, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, बाकी यहाँ फोटोज वीडियोज आपकी मूवीज फेसबुक इंस्टा जो भी होता है आप यहां पे ले लो, क्या ले लो इंस्टा ले लो, बेटर ये है, यहां पे आप एग्जांपल क्या ले लो कि ये इंस्टा है सर, ये आपका फेसबुक हो गया FB, ये क्या हो गया आपका आपका क्यूटेक ऐप भी ले लो यार गलती से, थोड़ा बहुत आपको भी लगेगा हाँ क्यूटेक ऐप भी कोई नाम की चीज है जो आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा आपकी। हाँ फिर आपका यूट्यूब ले लो YT, ठीक है YT आपका हो गया, तो 00 आएगा तो इंस्टा खोलना है, तो इंस्टा खोल देगा, कैसे खोलेगा कल देखेंगे, कैसे खोलता है कल देखेंगे। फिर दूसरा बोला 01 फेसबुक खोलना है, 10 क्यूटेक ऐप खोलना है, 11 YT खोलना है, यूट्यूब खोलना है, समझ रहे हैं आप। तो पहले रीड किया, फेच किया, फिर डिकोड किया। अब आप खुद सोचो 2 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन है, 4, यानी कि आपके मोबाइल में बस ये 4 चीज ही स्टोर हो पाएंगी। मैं मजाक कर रहा हूं, समझिए आप, ये जो चीजें है ना ये इतनी आसान नहीं है, मैं आपको बहुत एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, बाकी जो सीएस वाले बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर क्या है आप कुछ भी मजाक कर रहे हैं, नहीं दोस्त आप समझ रहे हैं ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, बस समझाना चाह रहा हूं कि बिट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, आपका माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का क्यों हुआ, फिर बाद में वो 16 क्यों हुआ, हाँ रीड करता है आपका साउथ आप, ठीक है 16 क्यों हुआ, 32 क्यों हुआ, 64 क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, यही था कि यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ 4 ऑपरेशन कर पाएगा, इसका लिमिट हो गया, इसका लिमिट हो गया है कि बस ये इंस्टा फेसबुक क्यूटेक और YT बस, और कुछ नहीं कर सकता। फिर आपने 3 बिट किया, तो अब आपके पास 8 ऑप्शन आ गए, पहले 4 थे अब 8 हो गए, उसमें ऐड कर लिया आपने, फिर आपने किया 16, फिर ऐसे ही 32, अब आपका 8 बिट है, 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होगा, 256 होगा ना, 7 पे होगा 128, यानी 256 इंस्ट्रक्शंस वो कर पाएगा, ये इंस्ट्रक्शन ही तो है, ये इंस्ट्रक्शन ही तो है जो आपने बोला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बात समझ नहीं समझ रहे आप लोग, क्या ये बात क्लियर है, बोलो भाई हाँ है ना, ठीक है दोस्त बस करें इतना आज के लिए, बहुत है, चलिए डाल सकते हैं बस इतना ही, बाकी मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा सा बहुत दिक्कत हुई होगी, डोंट वरी, लेकिन विश्वास मानिए ऐसे ही क्लासेस करने वाले हैं और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और ये जो आप देख रहे हैं सामने पूरी कहानी इसको भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन करेंगे, बस यही आप समझ लोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, खासकर ग्रेड टेक्निशियन ग्रेड 1 के लिए, जेई वाले की तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा आगे, और वो मैं पढ़ाऊंगा आपको जेई वाले बैच में, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही रिक्वायरमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा आपको नीट नहीं रहेगी, क्योंकि हमको सिलेबस भी टाइम पर खत्म करना है, हमको सिलेबस भी टाइम पर खत्म करना है, क्योंकि सिलेबस देख रहे हैं आप ये तो आसान है, ये यहाँ पे ही है खुराफा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का एक फोल्डर बन जाएगा, फिजिक्स का अलग फोल्डर बन जाएगा, मैग्नेटिक का अलग फोल्डर बन जाएगा, किसके अंदर, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, क्लास का टाइम जो रहेगा वो 9 से है स्टार्ट, 10, 10:30, 11, 12 जो भी रहेगा, अभी आपका 10:30 से ऊपर होने वाला है, तो ऐसे ही क्लास चलेगी, आप टेंशन मत लो, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे, शनिवार को आपका मैथ स्टार्ट होगा, मैथ में आपका सेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेट आप लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं, तो हम वही पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, हम वही पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा हुआ है तो हम बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये मैं सोचिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो नहीं पढ़ा है पहले वो खत्म कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फटाफट से आप एक बार इसको रिकॉल कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, अभी ये वीडियो प्रोसेस होगी आधे घंटे बाद, फिर आपको PDF मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकता है मॉर्निंग में अपलोड हो, रात में तो पॉसिबिलिटी कम है, या मैं ट्राई करूँगा आपको रात में ही मैं अपलोड करके सो जाऊं, नहीं तो मैं मॉर्निंग में तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है आपका, एग्जैक्टली साहब क्या बात है, चलिए थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू सो मच भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कहीं भी आपको दिक्कत होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, जितना भी कोई भी दिक्कत आपको अगर है, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप सेव कर लो मेरे भाई, और संकोच नहीं करना है, आपने पैसे पे किए हैं इसके लिए, और आपका ये हक बनता है कि कोई भी दिक्कत आपको आती है आप मुझको परेशान करिए, लेकिन पहले आप एक बार जरूर देख लीजिए क्लास को अच्छे से, प्रॉपर ढंग से समझ के परख के अच्छे से, ठीक है,
अच्छे से देखिए, जो डाउट आएगा मुझसे पूछिए, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल आपका आर्किटेक्चर वाली क्लास में, मस्त करेंगे आर्किटेक्चर को डिकोड अच्छे से, और गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।